आज पूजने भी को संतपाल ठेरो भट्ट जी सबको बुला के ये पुण्य कार्य कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुदास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। बोले साधु 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 महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा जैसे सुआख्या धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में धम्म सागर बुद्ध विहार में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्रामिकगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं आज विशेषतः संघ दान कार्यक्रम भोजन दान कार्यक्रम धम्म सागर बुद्ध विहार में विशेष रूप से संपन्न हो रहा है। इसका प्रमुख कारण है पूजनीय भिक्षु संघ पाल थेरो भंड जी का 10वां उपसंपदा दिवस परिपूर्ण हुआ। इस उपलक्ष्य में पंत जी के पुण्य कार्य है। पंत जी ने पूजने भिक्षु संघ को आमंत्रण करते हुए इस संघ दान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दान हर किसी को देना चाहिए। जो जो दान देता है उन लोगों को पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य सबको चाहिए। जो जो पुण्य करता है उन लोगों को सुख मिलता है, शांति मिलता है। सुख शांति हर किसी को चाहिए। कोई भी दुख अशांति तकलीफ पीड़ चिंता में जीना नहीं चाहते। इसलिए जब भी मौका मिले, जब भी मौका बना सके पुण्य कार्य धर्म कार्य करते जाना चाहिए। और आज पूजने भी को संत पाल ठेरो भंड जी सबको बुला के ये पुण्य कार्य कर रहे हैं। पंत जी को सर्वप्रथम 10वां उपसंपदा दिवस परिपूर्ण हो रहा है। इस उपलक्ष्य में उनको बुद्ध शास्त्रीय कार्य में खूब खूब आगे बढ़ सके, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे ऐसी शुभेच्छा करते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। बोले साधो साधो साधो। अभी बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ सभी लोग वैसा कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवाहुतं भगवन्तं अभिवादे Yeah.
गच्छामि सर्वं शरणं गच्छामि द्वितीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं विधम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं विधम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं विसंघं शरणं गच्छामि भगवतो अरहतो सम्मा
कालेन दम
दुख पता सने दुख
अवसर पर मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। तो अभी देखो हमारा जो है बुद्ध का धम्मा में बहुत बड़ा यात्रा 10 साल हो गया है ये वर्षावास में। तो 10 साल बुद्ध की शासन में हमने टिके मतलब थे, ठीक है। तो उससे पहले भी थे, ऐसे तो हमारा 15 साल हो गए थे, ठीक है। अभी और हम दोबारा बंदी जी बने थे, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम 10 साल हो गए हैं, ठीक। तो आज जो है आप लोगों को जो है हम आपकी बुद्ध विहार में रह के आपका हमारा जीवन में भी जो देखे तो हम आपके साथ मिल के आप लोगों के विहार में रह के हमारा जीवन में भी जो है बहुत उन्नति हो गए हैं और आपका जीवन में भी बहुत उन्नति हो गए हैं। अभी हमारा जीवन में उन्नति क्या हो गए हैं कि हम जो है ये छोटा छोटा बंदी जी लोगों का साथ मुझे रहने के लिए मौका मिल गया है, ठीक है। अभी ये लोग छोटा छोटा बंदी जी लोग भी जो है बहुत दूर दूर से आए हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, 2-3 जगह से आके हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को मैं जो है मेरे तरफ से जितना हो सकता है उनको देखभाल करने के लिए मुझे भी जो है एक बड़ा पुण्य मिल गया है।
और आप लोगों को भी ये पुण्य मिल गया है कि हम जैसे भंतीजी लोगों को भी आप लोग जो है देखभाल करते हैं जितना हो सकता है, चाहे पैसा दान देके या चावल दान देके, कुछ भी जितना हो सकता है आपकी तरफ से, आप लोगों ने भी हमारे हम जैसे भंतीजी लोग को आपके बिहार में रह के आप लोगों ने हमें मदद किया है। ठीक है, तो अभी दूसरी बात है कि मैं एक्चुअली जो है औरंगाबाद घूमने के लिए आए थे हमारा ये औरंगाबाद में, तो बाद में हम घूमते घूमते वो बीर बाईपास में रहते थे, तो बीर बाईपास में रहने के बाद वहाँ कुछ साल एक दो साल था, उसके बाद ये जयंत बोधि की प्रोग्राम में आए थे मैं। ठीक है, तो जयंत बोधि भंती जी बोल रहे हैं कि अभी तो हम दूसरी जगह जा रहे हैं, अभी हमारे पास जो है एक छोटा छोटा भंती सी है उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, अभी तुम आ जाओ यहाँ पे। तो मैं जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था आने के लिए। ठीक है, बाद में क्या हो गया, अचानक वो चले गए तो मुझे इसकी जगह पे आना पड़ा। ठीक है, तो अभी उसकी जगह में आ गया, तो रहते रहते बहुत सी उपासक लोगों का साथ, ये बुद्ध विहार के उपासक लोगों का साथ हमारे साथ बहुत जैसी कुछ भी मतलब कुछ हो, ये क्या बोलते तर ऐसे हो गए थे, फिर भी जो है हम आप लोगों के साथ रह के जो है वो सहन करके हम इधर में रहे। मेरा जो है क्या है इरादा, मैं आपका बिहार का जो है मालिक बनने के लिए नहीं है, मैं जो है आपका बिहार का वो पूरा कब्जा करने के लिए नहीं है, मेरा जो है ड्यूटी है सिर्फ धम्म को प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये जो बुद्ध विहार है आप लोगों के लिए ही मैं लोगों का साथ ये करता हूँ। ठीक है, मैं मेरे लिए फाइट नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी मुझे गलत ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई देते हैं तो हम सीधा उनसे बात करते हैं कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो। ठीक है, वो बात किसके लिए करते, हम बुद्ध विहार के शासन के लिए, बुद्ध विहार की बचा के लिए, बचा रखने के लिए। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है हमारा लाइफ में हो गई, बाद में हम जो है ये बिहार में रहेगा नहीं रहेगा तो ये में थे, बाद में क्या हो गए, हमने एक दूसरी बंदी के थाईलैंड की बंदी जी का साथ कांटेक्ट हो गया, दूसरा वियतनाम बंदी जी का साथ कांटेक्ट हो गया, हमारा समस्या को उनको बता दिया कि हमारा बंदी जी बुद्ध विहार में एक तो बुद्ध का मूर्ति नहीं है, दूसरा बिहार में कुछ ऐसा भी ये नहीं है। ठीक है, ऐसे पूरा जो है देखने में अलग सा है। तो मैंने क्या किया, बहुत सी लेटर भी लिखा हूँ ये सब चीज़ों के बारे में, बाद में वियतनाम की बंदी जी हमारा बात को थोड़ा मान लिया, तुरंत उसने हमें चरपाई दिया, ये दिया वो दिया, और उनको रिपेयर करने के लिए भी दिया। तो हमने ऐसे करते करते धीरे धीरे अचानक बंदी जी ने, थाईलैंड के बंदी जी ने भी, उसने भी ये हाँ बोल दिया। ठीक है, मैं इसका थोड़ा मदद करेगा करके। ठीक है, बाद में धीरे 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 क्या हो गया, आपका बिहार दो तीन साल के बाद इतना बड़ा सोना जैसा बन गया। ठीक है, अभी देखो आपका बिहार में जो है कितना रहने का और पूजा करने का सुविधा कितना अच्छा हो गया। ठीक है, फिर भी क्या होता है, कभी कभी हमको जो है लोगों के साथ लड़ाई करना पड़ता है। ठीक है, हमने जो है यहाँ में रह के हमारे छोटे भंती से लोगों का साथ बहुत बोल बोल के इन लोगों को चिल्ला चिल्ला के आपकी बिहार बहुत अच्छा बना दिया है। ठीक है, आगे जाके आप लोगों को क्या करना है कि ये जो बिहार है आप लोग उसको बचा के रखो। आप लोगों को से आपकी मेरा ये अनुरोध है, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा से समझना है। ठीक है, एक उपासक आए थे एक भंती जी के पास, वो उपासक बोल रहे हैं कि भंती जी मुझे कुछ भी नहीं आता है, अभी मैं क्या करूँ। ठीक है, मुझे पूजा भी नहीं आता, चैंटिंग करने को नहीं आता, ये सब नहीं आता, मैं अभी क्या करूँ। ठीक है, तो अभी भंती जी बोलता है तुम्हें कुछ नहीं आता तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बुद्ध विहार में आओ, झाड़ू लगाओ, बाद में धीरे से समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या मीनिंग इसका गहरा है, क्या है। ठीक है, इसलिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लद्दाखी उपासक उपासिका लोग कभी भी देखे तो वो पूजा बंदना पूरा सबको आता है। ठीक है, तो वो लोगों को देखो पूजा इतना सुंदर से सब लोग बोलता है, वियतनामीज वाले सब लोग बोलता है, श्रीलंकन वाले सब लोग बोलता है उपासक उपासिका। अभी देखो हमारे साथ घूमने फिरने वाले उपासक जो श्रीलंका गए थे, उनको पूछो थोड़ा कि वहाँ के उपासक श्रीलंका में रोज सुबह शाम पूजा करने के लिए जाते हैं, दिन भर पूजा करते हैं। ठीक है,
तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो धम्मा है कितना जो है महत्व है, पर हम जैसी उपासक उपासिका लोग जो है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत धम्मा को बहुत पतला से लेता है, गहराई से लेता नहीं है कि धम्मा कितना महत्व है, धम्मा कितना जो है अपने जीवन को बदलता है, और धम्मा जो है पालन करने से हमारा परिवार कैसे सुखी से रह सकता है, और इसी धम्मा की वजह से आपका जो है निर्वाण का रास्ता भी खुल जाता है। फिर भी हम लोग इसी को अच्छा से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझना कि अभी जो मैं एक उदाहरण और दूसरी बात बताता हूँ कि ये जो आप लोग जो उपासक उपासिका लोग बुद्ध विहार में कभी कभी बैठते हैं कुर्सी लेके इधर उधर, तो वो कुर्सी को क्या करते हैं वहाँ पे छोड़ के जाते हैं, बाद में हम जैसे पति जी लोग को उठा के ला के डालना पड़ता है वो। जैसे कभी आप लोगों ने देखा है ये जो लड़ा के उपासक उपासिका लोग कुर्सी निकलता है यहाँ पे, वो लोग सीधा उधर डाल देते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें जो है ना हमको थोड़ा कभी कभी बोलना पड़ता है, पर उन लोगों को अच्छा लगता नहीं। फिर भी जो है क्या करना, वो सब चीज़ों को अगर एक बार नहीं हुआ तो दोबारा उसको करेक्शन करने के लिए आप रहना है, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा बोलेगा नहीं, फिर भी जो है मैं आप लोगों का साथ रह के उपासक उपासिका लोगों के साथ रह के मुझे बहुत अच्छा तो लगता है कि आप लोगों के साथ जो हम इधर में रहते हैं, तो अभी कभी कभी उपासक उपासिका लोग हमें जो है जो उपासक नर्मदा भाई वो हमेशा जो है हमको सुबह सुबह कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ला के देते हैं, ठीक है। अभी ये और एक दो उपासिका है हमको जो है बहुत सी चीज़ें सुबह सुबह ला के देते हैं, ठीक है, बहुत सी उपासक उपासिका है। तो इसलिए उसी तरह अगर आप लोग भी थोड़ा बुद्ध विहार को ऐसे देखभाल करेंगे ना, तो आप लोग के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे तो आप लोगों को क्या है कि बुद्ध विहार अच्छा बन गया है, अभी काम आपका क्या है, एक तो जो है बुद्ध विहार को साफ सुथरा रखना, ठीक है, आपका काम। दूसरा है कि भक्ति जी लोग जितने भी होते हैं उसको थोड़ा ना कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ दान लेके आके दे देना है, ठीक है। तो इसलिए आपका धम्मा यही है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग जो भी यहाँ पे उपासक उपासिका है, अभी धम्मा को हमेशा जो है आप लोग सोचो, बड़ा जो है गहराई से सोचो कि ये धम्मा को अगर बचा के रखेंगे तो कितना जो है लोगों को फायदा होगा, और कितना आदमी जो है ये दुखों के रास्ते से मुक्ति हो सकता है, ठीक है, आगे जाके तो कम से कम हो सकता है। तो इसलिए आप लोग कितना जो है मन में रखना कि ये जो सुंदर बुद्ध विहार बन गया है इसको बचा के रखना आपका जिम्मेदारी है और हमारा जिम्मेदारी है। तो अगर दोनों साथ में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये धम्मा अभी इतना जो लोग सुन रहे हैं, ठीक है, अभी आगे जाके बहुत से लोग जो है सुन सकते हैं धम्मा का अगर बचा के रख सकते हैं। अगर आप लोग हमारी जैसी भक्ति से लोगों को धम्मा को बचा के रखने के लिए मदद किया तो इसलिए मैं आप लोगों से यही जो है निवेदन है कि आप लोग जो है धम्मा को हमेशा बचा के रखने के लिए सोचना, ठीक है। और मेरा जीवन में जो है आप लोगों से जो कुछ भी हमने धम्मा का ज्ञान मिला है, मैं 10 12 साल 15 साल जितना हो गया भक्ति जी बन के, मेरा पास जो है जो भी ज्ञान है आप लोगों को मैं बता दिया, मतलब जितना हो सकता है अपना भाषा में, तो होता नहीं है आप लोगों का भाषा में, फिर भी मैं क्या किया, मैं जितना हिंदी में मुझे होता है मैं इतना आपको समझा दिया, ठीक है, मेरे तरफ से जितना होता है। असली में तो क्या है कि धम्मा में, ठीक है, धम्मा में अगर कोई भी उपासक उपासिका बुद्ध का शासन में आता है, चाहे वो भक्ति जी को कुछ भी नहीं आए, ठीक है, धम्मा प्रवचन बोलने को नहीं आए या लोगों को समझाने को नहीं आए, मतलब अगर वो उपासक धम्मा में अच्छा रहता है फिर भी उसको जो है बहुत बड़ा ये है, ठीक है, आप लोग उसको भी बहुत अच्छे से ये करना है, रेस्पेक्ट करना है, चाहे वो भक्ति जी को कुछ भी नहीं आने से भी, ठीक है, धम्मा में कुछ भी आप लोगों को समझाने को ना हो कुछ भी ना हो, क्योंकि धम्मा में वो जो है धम्मा ये है। तो इसलिए आप लोगों को धम्मा में तो भाषा नहीं होता है, तो धम्मा में सिर्फ एक ही उपाय है कि हम लोगों का जो ये सांस जो रहते हैं ना, तो सांस ही जो है हमारा धम्मा का ये है, तो उसी की वजह से ही लोगों को समझा ये अच्छा समझा सकते हैं। तो उसी को अगर करना है तो मन ही है एक ही भाषा, तो मन से ही लोगों को आप
अच्छा समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए धम्म को समझना है तो मन को ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे तरफ से आप लोगों को जो कुछ भी धम्म का ज्ञान हम 10 साल हुए हैं, लोगों को जितने फायदा हुआ है मेरे तरफ से, तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि वो लोग मुझे अच्छा मौका दिया तो इस बुद्धों का शासन में इतना दिन तक टिकने के लिए मैं उनके लिए भी बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। और आप लोगों जो धम्म सागर बुद्ध विहार का सातवां उपासक उपासिका है उन लोगों को भी मैं बहुत बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि उनकी वजह से मैं बुद्धों का शासन में इतना दिन तक टिक के बैठा हूँ। तो और मैं बड़े मंदिर से ही आशीर्वाद चाहता हूँ कि आगे जाके और भी मैं ऐसी बुद्धों का शासन में काम कर सकूँ। तो मुझे ये बंदी जी का आशीर्वाद उनसे भी ये जरूरत है, तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ बंदी जी हमें आशीर्वाद करेंगे, ठीक है। बुद्ध शासनिक कार्य के लिए बुद्ध धर्म संघ का आशीर्वाद उनको हमेशा हमेशा रहे, ये कामना करते हैं। सभी जन बोलिए साधु साधु साधु। यो हवे दहरो भिक्खु यों जान्ति बुद्ध शासने सो इमं लोकपवासेति अभामुक्तो वचन्दिमा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध त्रिवार वंदना परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ श्रामिकगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं यो हवे दहरो भिक्खु, जो व्यक्ति तरुण अवस्था में बुद्ध शासन में दीक्षित होके भिक्षु बनते हैं और बुद्ध शासन में खूब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, ऐसा व्यक्ति जिस तरह बादल के हटने के बाद सूर्य ज्वलमान होके प्रकाशित होते हैं, वैसे ही वो भिक्खु प्रकाशित होते हैं। तरुण अवस्था में भिक्षु बनने वाले, बुद्ध शासन में मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले हमेशा ज्वलमान होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ठंडी मौसम में सुबह सुबह धूप भी नहीं लगता, बादल जैसे घिरा रहता है, जैसे वो बादल हटने लगता है वैसे वैसे धूप भी आने लगता है, फिर देखते हैं सूर्य ज्वलमान होकर प्रकाशित है उसी तरह। इसलिए तरुण अवस्था में भिक्षु बनना बहुत जरूरी है। तरुण अवस्था वो है जो ऐसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, कितना भी बुद्ध के धर्म को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बाद में उसको अच्छे से अभ्यास भी कर सकते हैं। इसलिए तरुण अवस्था में भिक्षु बना तो जल्दी जल्दी बुद्ध शासनिक कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। अभी एक भिक्षु कैसे बनता है सर्वप्रथम दुनिया में जो लोग है उन लोगों को बुद्ध धम्म संघ के विषय में पता होना चाहिए, फिर बुद्ध धम्म संघ के शरण जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं उपासक उपासिका। जो पुरुष है उन लोगों को उपासक, जो बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं, और जो स्त्री है उनको उपासिका। बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाले स्त्री को उपासिका कहते हैं। वो उपासक उपासिकाओं में भी धम्म में दीक्षित होने का श्रद्धा भाव आना चाहिए,
अगर कोई उपासक बुद्ध धाम में दीक्षा लेते हैं, ऐसे शरीर पे चीवर धारण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? श्रामनेर कहते हैं। श्रामनेर जैसे ये छोटे छोटे श्रामनेर है। श्रामनेर कम से कम उम्र में 20 साल परिपूर्ण होना चाहिए। कितने साल? 20 साल परिपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद भिक्षु संघ के सामने उपसंपदा दीक्षा का वो माफ कर सकता है कि मुझे भी उपसंपदा दीक्षा लेना है, मुझे भी भिक्षु होना है। उस समय भिक्षु संघ को लगा कि ये भिक्षु बनने लायक है, भिक्षु संघ को लगा कि ये भिक्षु बनने योग्य है, तब जाके उपोषकागार सीमा गृह में पूजनीय भिक्षु संघ बैठ के उसको उपसंपदा दीक्षा देते हैं। तो उपसंपदा दीक्षा परिपूर्ण होने के बाद उसको भिक्षु कहते हैं। जन्म से कम 20 साल तो परिपूर्ण होना ही है। 20 साल पूर्ण होने के बाद भी ये भिक्षु बनना ही है ये जरूर नहीं। कोई कोई तो 30 साल 40 साल 50 साल 70 80 साल की उम्र में भी उपसंपदा दीक्षा लेते हैं, या जीवन भर बिना उपसंपदा दीक्षा लिए चीवर पहन के सामने रोक के भी जीते हैं। कोई बात नहीं है, पर उपसंपदा दीक्षा लेने के लिए उम्र में 20 साल तो परिपूर्ण होना ही है, क्योंकि 20 साल से पहले इतना समझ में नहीं आता वो उसको बनना ही है या छोड़ के जाना है, रहना है या नहीं रहना है, उसको समझ में नहीं आता। तो 20 साल के बाद उसको समझ में आता है कि अभी मुझे भिक्षु बन के ही जीना है, जिंदगी में यही लाइफ सबसे बेस्ट है, शील समाधि प्रज्ञा के लिए ये जीवन अति उत्तम है, तो मुझे यही जीवन चयन करना है। तो ऐसा अधिष्ठान लेके वो उपसंपदा दीक्षा लेते हैं, तो उसको कहते हैं भिक्षु। एक उपासक दीक्षा लेके सामने बनते हैं, फिर भिक्षु संघ के सामने उपसंपदा दीक्षा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही भिक्षु कहते हैं। कोई महिला ऐसे दीक्षा लेके बनते हैं तो उसको भिक्षुनी कहते हैं। भिक्षु होके एक साल दो साल तीन साल इस तरह करते करते 10 वर्षावास परिपूर्ण होता है। 10 वर्षावास परिपूर्ण होता है तो उसे कहते हैं स्थवीर या थेरो। पाली में थेरो बोले तो सीनियर हो गया, स्थवीर हो गया, वयस्क हो गया, मतलब अभी बुढ़ापा हो गया, तो ऐसे सीनियरिटी के हिसाब से उसको थेरो कहते हैं या स्थवीर कहते हैं। तो इसी तरह वर्षावास बढ़ते 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 जब 20 साल परिपूर्ण होता है तो उसे कहते हैं महाथेरो या महास्थवीर। अभी तो ज्यादा ही सीनियर हो गया, और महाथेरो के ऊपर और दूसरा नहीं है। तो इस तरह स्थवीर बनते, महास्थवीर बनते, थेरो बनते, महाथेरो बनते, और भिक्षु इस तरह रहता है। अभी 10 वर्षावास परिपूर्ण हुआ तो थेरो बन गया, स्थवीर बन गया। 20 वर्षावास परिपूर्ण होने के बाद क्या बनेगा? महास्थवीर, व्यापारी में महाथेरो कहते हैं। बुद्ध शासन में 4 परिषद है। जिस तरह एक गाड़ा या एक गाड़ी आगे बढ़ने के लिए उसको कितने चक्का लगता है? 4 चक्का लगता है, 4 पहिया लगता है। उसी तरह बुद्ध शास्त्र को आगे बढ़ाने के लिए भी 4 परिसर लगता है। बुद्ध धर्म के वो 4 परिसर क्या क्या है माहिती? कोणाला माहिती आहे बुद्ध धर्माचा 4 परिसर कौन कौन आहे? हाँ बताइए। 4 पाय कौन कौन है? याद रखिए, पहला है भिक्षु परिषद, दूसरा है भिक्षुनी परिषद, तीसरा है उपासक परिषद, चौथा है उपासिका परिषद।
दुनिया में जो जितना भी इंसान है वो केवल एक ही जात है, इंसान। इंसान में कोई जात है भेदभाव नहीं है। और इंसान को भी अलग किया तो वो दो जात निकलता है, एक स्त्री जात एक पुरुष जात। जब वो बुद्धा और धर्म संघ के शरण में आते हैं तो वो स्त्री जात को उपासक कहते हैं, वो पुरुष जात को उपासक कहते हैं। वही उपासक, वही उपासिका जब दीक्षा लेके उपसंपादित होते हैं तो उसी को कहते हैं भिक्षु। तो बुद्ध शासन में ये चार परिषद है, भिक्षु परिषद, भिक्षुणी परिषद, उपासक परिषद, उपासिका परिषद। जिस तरह एक गाड़ी में दो पहिया आगे होता है, दो पहिया पीछे होता है, आगे के दो पहिया मतलब ये संघ है, भिक्खु भिक्खुनि, ये संघ। आगे के पहिया जिस तरफ भी मोड़ेंगे गाड़ी उसी तरफ जाएगा। सीधा जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सारा काम आगे के पहिया रास्ता दिखाते जाएगा। उसी तरह भिक्षु भिक्षुनि ये संघ है। संघ हमेशा बुद्ध धर्म का मार्ग निर्देशन करेगा, ऐसा करना है वैसा करना है, इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, इस तरह से नहीं करना उस तरह से नहीं करना, बहुत अच्छे से मार्ग निर्देशन करता है भिक्षु भिक्षु। अब पीछे के दो पहिया बोले तो उपासक उपासिका। पीछे के पहिया कितना महत्वपूर्ण है पता है? सारा का सारा एक्सीलेटर देना मतलब फास्ट भगाना, ये पीछे वाले पहिए के काम है। जल्दी भगाना हो पीछे वाले पहिया, धीरे धीरे जाना हो पीछे वाले के पहिया, या ब्रेक लगाना हो पीछे वाले के पहिया, सारे कंट्रोल ये पीछे वाले के पहिए में रहता है। उसी तरह बुद्ध शासन को धीरे 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 आगे बढ़ाना है, उपासिका के कंट्रोल में। बुद्ध शासन को जल्दी 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 आगे बढ़ाना है, उपासक उपासिकाओं के हाथ में। या बुद्ध शासन को अभी रोकना है, उपासक उपासिकाओं के हाथ में। पूजने भी संत तो क्या कर सकते हैं, मार्ग निर्देशन कर सकते हैं। अरे जीवन में सुख शांति चाहिए ना, हिंसा करू नका, चोरी करू नका, व्यभिचार करू नका, झूठ बोलू नका, अमल नशा पता सेवन करो नका, ये मत करो वो मत करो, केवल बोल सकते हैं। अगर आप लोग मानेंगे ही नहीं, आप लोग स्वीकार करेंगे ही नहीं, आप लोग पालन करेंगे ही नहीं तो कुछ फायदा है क्या? पांच लोग जो करना है वही करेगा, आप लोग करेंगे नहीं तो क्या फायदा? अगर सील पालन करेंगे नहीं, सदाचार पालन करेंगे नहीं तो आप लोग अच्छे चीजों में साथ भी नहीं दे पाएंगे, दान दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। अगर आप लोग दान नहीं देंगे तो ऐसे सांघिक कार्यक्रम होगा क्या, संगदान होगा क्या, कठिन जीवन दान होगा क्या, कुछ भी बौद्ध कार्यक्रम होगा क्या? नहीं होगा। और कार्यक्रम ही नहीं होगा तो आप लोगों को तो सुनने को मिलेगा ही नहीं। जो आने वाला जेनरेशन है, हाँ, जो आपके बच्चे है, बेटा बेटी, क्या उन लोगों को सुनने को मिलेगा क्या? अब सुनेंगे नहीं तो क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे? और सीखेंगे नहीं तो बाबा साहब ने दुनिया भर के धर्म को परिचय करने के बाद इतना अच्छा जो धर्म की दीक्षा लेके अपने समाज को धर्म की दीक्षा दिया, उसका क्या लाभ, उस फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए उपासक उपासिकाओं का मेन हाथ रहता है धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म को अच्छे से जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है, या धर्म को रोकना है, उपासक उपासिका है। इसलिए तो उपासक उपासिकाएं शीलवान होना चाहिए, उपासक उपासिकाएं गुणवान होना चाहिए, उपासक उपासिकाएं श्रद्धावान होना चाहिए, उपासक उपासिकाएं त्यागवान होना चाहिए, उपासक उपासिकाएं प्रज्ञावान होना चाहिए। उपासक उपासिकाओं को जितना हो सके तन मन धन से ये बुद्ध, ये धम्म और संघ के लिए साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, तब जाके ये बुद्ध धम्म खूब अच्छे से आगे बढ़ेगा। अगर उपासक उपासिका कुछ करेंगे ही नहीं, न दान देंगे, न सील पालन करेंगे, न ध्यान भावना करेंगे, केवल
और भगवान बुद्ध की जय हो, बाबा साहब की जय हो करके ही उसमें ही खुश होके बैठेंगे। तो धम्म का कोई लाभ होगा क्या, कोई फायदा होगा क्या, धम्म आगे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। इसलिए उपासक उपासिकाओं का खूब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जितना खाने को लगता है उतना ही कमा के नहीं बैठना, उससे भी ज्यादा मेहनत करो, उससे भी ज्यादा कमाओ और अपने समाज को दान दो, बुद्ध धर्म संघ के लिए दान दो। जितना आप लोग श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देंगे उतना ही बुद्ध शासन बुद्ध धर्म और ज्यादा फलीभाव होगा, और जितना बुद्ध धर्म फैलता जाएगा उतना लोगों को सुख शांति देता जाएगा, लोगों को मानवता सिखाते जाएगा, खुद कैसे जीना है और दूसरों को कैसे जीने लगाना है, खुद कैसे सुख पूर्वक जीना है और दूसरों को भी कैसे सुख शांति देना है, ऐसे मानवतावादी ये उपदेश भी फैलाता जाएगा। इसलिए उपासक उपासिका भी खूब श्रद्धावान होना चाहिए, खूब त्यागवान होना चाहिए, खूब धर्मों को जान के अभ्यास करने वाला होना चाहिए, तब जाके बुद्ध शासन और अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत चार परिषद है, भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिकाएं परिषद। तो भिक्खु परिषद का भी भिक्खुनी परिषद का भी खूब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, रास्ता दिखाने वाला मार्ग निर्देशन करने वाले यही संघ है। आप लोग कितना भी चाहो क्या हमेशा बिहार में रह सकते हैं क्या, हमेशा पूरा पाठ करके बैठ सकते हैं क्या, हमेशा कामों की पढ़ाई करके लोगों को वही सिखाते बैठ सकते हैं क्या, नहीं। परिवार के साथ सारा काम कर्तव्य निर्वाह करके जितना समय बचता है उतना ही आप लोग बिहार आते हैं, उतना ही आप लोग धर्म का काम करते हैं, उतना ही आप लोग धर्म सुनते हैं, मगर ये भिक्खु भिक्खुनी पूरा घर बार सारा त्याग करके बिहार में रहते हैं, बुद्ध धर्म के साथ रहते हैं, जितना हो धर्म सीखते हैं और अपने लोगों को भी सिखाते हैं, ये संघ है। इसलिए संघ का मार्ग निर्देशन बहुत जरूरी है, जीवन में कभी भी दुख हो कभी भी सुख हो कभी भी कुछ हो, ये संघ का ब्लेसिंग संघ का आशीर्वाद लेते जाना चाहिए। तो उपासकों को खूब अच्छे से ये संघ को साथ देना है, दान देके हो, शील पालन करके हो, ध्यान भावना करके हो, धम्म में सहभागी होके हो, धम्म का कार्यक्रम करके हो, जैसा भी हो धम्म को फैलाने के लिए सुख शांति फैलाने के लिए हमें साथ देना है। ये चार परिषद खूब अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ भिक्खु संघ भिक्खु परिषद है, उपासक परिषद है, उपासिका परिषद है, क्या आप लोग शील सदाचार युक्त जीवन जीने के लिए तैयार है क्या, तैयार है आवाज हाँ, क्या आप लोग दान त्याग में जीवन जीने के लिए तैयार है क्या, दान देने के लिए और मेहनत करके और कमाना है, जितना जरूरत से ज्यादा कमाएंगे तभी तो दान दे पाएंगे, तो त्याग में जीवन जीने के लिए तैयार है क्या, ज्ञान में जीवन जीने के लिए तैयार है क्या, तो तैयार है, तो व्यवहारिक रूप से पालन भी करते जाना है, संघ का साथ भी देना है, बुद्ध धम्म संघ की अनुसरण हमेशा करते जाना है। बोलिए साधु साधु साधु। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और उसे व्यवहार में पालन करते करते ये दुर्लभ या मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हैं। और आज विशेषतः पूजनीय भिक्खु संघपाल थेरु बंदे जी का 10वां वर्षावास 10वां उपसंपदा परिपूर्ण हो रहा है, तो उनको भी बुद्ध का आशीर्वाद, धर्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर अग्रगामी बन सके और खूब सारा धर्म का अभ्यास करते हुए दूसरों को भी अच्छे धर्म का मार्ग निर्देशन कर सके,
दुखमुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके ऐसी शुभेच्छा देते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और आप सभी के जीवन में भी ऐसा ही हो, बुद्धतम असम का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे ऐसे कामना करते हुए ये नमदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम, साधु साधु साधु। अभी पूजनीय भिक्षु संघ आशीर्वाद देंगे, सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सभी विवाजन्तु सब रोगो विनाशतु, माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु, सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब को नमन करता हूं, तमं नमामि, तम को नमन करता हूं, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूं,